और दोस्तों, आज हम हाई स्कूल लेवल का एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। ये हमारा पैकेज है हाई स्कूल का, जिसमें आपको नाइन्थ के सब एक्सपेरिमेंट मिलेंगे और टेंथ के भी सब एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। तो आज हम टेंथ क्लास का एक एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर है 12। 12 नंबर का चैप्टर है और उसकी पहली एक्टिविटी हम देखने जा रहे हैं। तो ये टेंथ पर आपको जाना है। तो यहाँ आपके चैप्टर सब दिए हुए हैं, ये देखिए, एक के बाद एक आपके सिलेबस में जो चैप्टर है वो सब यहाँ दिए गए हुए हैं, और उसकी एक्टिविटीज उसके अंदर, वो चैप्टर के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो भी यहाँ दी गई है। कोई एक्टिविटी आपको कंफ्यूज करती है किस तरीके से करनी है, तो आपको यहाँ QR कोड दिया है। QR कोड को आप स्कैन कीजिए, आपको सब वीडियो मिल जाएंगे कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 12वें चैप्टर का पहला एक्सपेरिमेंट। तो ये 12 चैप्टर पर हम जा रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और उसका ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा हाई स्कूल पैकेज आपको किस तरीके से ख़रीदना है ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, विथ प्राइसेस एंड ऑल। तो आज हम पहला एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। ये देखिए, आपका टेंथ क्लास का ये ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमने सब जरूरी चीज़ें यहाँ दी हुई है। आपका सर्किट डायग्राम है, किस तरीके से ये प्रैक्टिकल करना है उसकी हेल्प यहाँ दी गई है। कैलकुलेटर आपके कैलकुलेशन के लिए यहाँ दिया गया है, ग्राफ पेपर दिया गया है, फिर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसीजर भी दी गई है, जहाँ आपको सब मिल जाएगा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ओम्स लॉ की पूरी थियोरी यहाँ दी गई है, ये पूरी थियोरी है जो आपको सिखाती है कि ये ओम्स लॉ क्या है। फिर ये दो मेनू है, कनेक्ट सर्किट और टेक रीडिंग, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है। ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है, जो ड्रैगेबल है, कॉलेप्सेबल है, आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ आपको आपका रीडिंग्स भरना है, जैसे कि मैं यहाँ कोई रीडिंग लिखता हूँ 1, 2, 3, तो ये यहाँ भर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ आपको एक एक एपरेटस दिए गए हैं, जैसे कि 12 वोल्ट पावर सप्लाई, ऑन ऑफ की, जिसको आप क्लिक करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर ये आपका रिवोस्टेट है, जो आगे पीछे करके आपको 4-5 रीडिंग लेना है, तो ये आपका रिवोस्टेट है। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। ये आपका वोल्ट मीटर है और ये मिली मीटर है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? आपको सबसे पहले सर्किट ज्वाइन करना आना चाहिए, सर्किट कनेक्ट करना आना चाहिए। तो सर्किट कनेक्ट करने के लिए आपकी सुगमता और बढ़ जाए, आपका काम और भी आसान हो जाए, इसलिए हमने एक एक कॉन्टैक्ट पर आपको हिंट दी है कि आप जहाँ भी आपका माउस लाएंगे तो वो सर्किट डायग्राम में कौन सा कॉन्टैक्ट है वहाँ ब्लिंकिंग चालू होगी। देखिए, मैं सबसे पहले 12 वोल्ट पावर सप्लाई के नेगेटिव पर मेरा माउस ले जा रहा हूँ। देखिए, देखा, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि सर्किट डायग्राम में जो नेगेटिव पॉइंट है पावर सप्लाई का, वहाँ ब्लिंकिंग हो रही है। फिर हम आगे चलते हैं की के ऊपर। तो ये देखिए, ये की के ऊपर आपका ब्लिंकिंग हो रहा है कि ये एक वायर आपको ये की के ऊपर से यहाँ नेगेटिव पॉइंट पर ज्वाइन करना है ना। तो सब जगह में आपको ये सब आपका हिंट मिलता जाएगा, और हिंट देख देख के आप आराम से सर्किट ज्वाइन कर पाएंगे। नाउ, सर्किट किस तरीके से ज्वाइन करोगे आप? तो यहाँ मैंने कनेक्ट सर्किट का मेनू दिया हुआ है। देखिए, ये कनेक्ट सर्किट पर आप क्लिक कर दीजिए, ये कनेक्ट सर्किट आ गई। नाउ आपको माउस प्रेस करके ड्रैग करना है। ये देखिए, मैं माउस को प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ, ये आपका एक वायर ज्वाइन हो गया। अब दूसरा वायर दूसरी की के दूसरे कॉन्टैक्ट से में लेना है, तो की का दूसरा कॉन्टैक्ट है ये। कहाँ जाना है? तो यहाँ बीच वाला जो छोर है, ये आपके रियोस्टेट का, वहाँ आपको कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ से माउस प्रेस कीजिए, ड्रैग कीजिए, और ये बीच वाला जो कॉन्टैक्ट है वो ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, और ये बीच वाला है जो वेरिएबल है, जो यहाँ से यहाँ आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी सर्किट ज्वाइन करनी है, ये मत भूलिए। ये आपको ऊपर सर्किट डायग्राम में देख देख के बरोबर सोच के पूरी सर्किट आपको बनानी है। एक बार बनाओ, दो बार बनाओ, आप प्रैक्टिस करो ताकि एग्ज़ाम में कोई आपको तकलीफ ना हो, ठीक है।
कोई भी गलती अगर सर्किट बनाने में आपको आती है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये कनेक्ट सर्किट पर दूसरी बार क्लिक कर दीजिए, पूरी की पूरी सर्किट चली जाएगी और आप दूसरी बार इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्किट कनेक्शन। पूरी की पूरी सर्किट जब आपको अच्छी तरीके से आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि मुझे इस तरीके से सर्किट बनानी है, तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, रीडिंग लेने का। तो यहाँ आप आ जाइए टेक रीडिंग मेनू में, ये टेक रीडिंग मेनू जो है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट सर्किट यहाँ आपको मिलेगी, ये डिफ़ॉल्ट सर्किट है, इसमें आपको क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है सर्किट में, आप कर भी नहीं सकते हैं, यहाँ कोई सर्किट में चेंज नहीं हो सकता है, ये डिफ़ॉल्ट सर्किट है। ये वायरिंग आपको रेडीमेड दिया गया है, आपको सिर्फ स्विच ऑन करनी है और आपके रीडिंग्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये वोल्टमीटर अभी जूम नहीं होगा, आप माउस लाएंगे तो, लेकिन अगर स्विच ऑन है और सर्किट आपकी लाइव हो गई है तो यहाँ ये जूम होगा ताकि आप अच्छे तरीके से रीडिंग ले सकें। तो अभी हम स्विच ऑन करते हैं और यहाँ 00 सब दिखाई दे रहा है, उसका रीडिंग चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं स्विच ऑन करता हूँ, ये देखिए स्विच ऑन कर दिया, ये देखिए वोल्ट मीटर शुरू हो गया, मिलीमीटर भी शुरू हो गया, देखो है ना। तो ये रीडिंग आपको 3, 4, 5 जो भी जितना भी रीडिंग लेना है उतना रीडिंग ये रिवर्स स्टेट को आगे पीछे करके लेना है। सपोज कि ये हमारा पहला रीडिंग हो गया कि भाई चलो 5.1 के आसपास, 5.2 के आसपास हमारा वोल्टेज है, और ये आपका जो है ये 150 और 170 के आसपास है आपका 170 मिलीमीटर। तो ये आपको अलग अलग 5 रीडिंग 4 रीडिंग 3 रीडिंग जो भी लेना है वो यहाँ आप आगे पीछे कीजिए। मैं एक एक्सट्रीम पर जा रहा हूँ जो मैक्सिमम है, ये देखिए मैक्सिमम वोल्टेज आ गया, ये मैक्सिमम एम्पियर आ गया। ये रीडिंग आप नोट डाउन कर लीजिए आपके ये ऑब्जर्वेशन टेबल में। और अभी ये छोर पर जाके देखते हैं तो ये कम से कम हो गया, रेजिस्टेंस हाईएस्ट है, तो ये मिली एम्स बहुत कम हो गए, ये वोल्टेज बहुत कम हो गए। तो ये सब रीडिंग लेने के बाद आपको ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है कि I इज इक्वल टू वी अपॉन आर में आपका ये R अननोन रेजिस्टेंस है उसकी एवरेज क्या आपको मिलती है। उसके बाद लास्ट स्टेप आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप ये ग्राफ का बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ आपको पॉइंट रखना है ग्राफ बनाने के लिए, तो पॉइंट रखने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन टेबल चाहिएगा, तो यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा है वो बटन पर क्लिक कीजिए, ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया। देखिए यहाँ हमने जो भी भरा हुआ है वो सब आ जाएगा, देखिए मैंने 1, 2, 3 लिखा था तो यहाँ 1, 2, 3 आ गया। इस तरीके से आपको सब के सब रीडिंग वगैरह लेना है और आपका पॉइंट रखना है। तो यहाँ से ये जो वोल्टेज वर्सेस एम्पियर का हमने जो यहाँ आपको ये सब दिया हुआ है यूनिट्स, वो यूनिट भी वेरिएबल है, आप ये यूनिट को अपनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं 100 से नहीं 50 से चालू करना चाहता हूँ तो ठीक है, यहाँ हम ये 50 से भी चालू कर सकते हैं, यहाँ हम 1, 2, 3 के हिसाब से वोल्टेज लगा रहे हैं, तो आप 0.5, 1, 1.5 इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो ये यूनिट भी वेरिएबल है, आपका ग्राफ के हिसाब से आप ये यूनिट को भी बदल सकते हैं, यहाँ आपको सिर्फ आपका फिगर चेंज कर देना है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ हम पॉइंट रख रहे हैं कि माउस को प्रेस करके ड्रैग करके आप जानते हैं कि आई वर्सेस वी का ग्राफ जो है वो हमेशा लीनियर आता है। तो इस तरीके से आप अगर पॉइंट रख देंगे, माउस को प्रेस करना है और ड्रैग करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए मैंने 4 पॉइंट रख दिया, अब आपको ये ग्राफ जो है वो माउस प्रेस करके ड्रैग करके एक एक पॉइंट को जॉइंट करते जाना है। ये देखिए तो ये हो गया हमारा आई वर्सेस वी का ग्राफ। अगर ग्राफ में भी कोई आप गलती कर बैठते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, डिलीट ग्राफ का बटन यहाँ दिया गया है और आप फिर से ये ग्राफ पूरा का पूरा बना सकते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है और सीखना है कि किस तरीके से ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर वो आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं।
पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से करना है तो यहाँ ग्राफ के बटन में ही बैक का बटन है, ये बैक है, ये बैक का बटन आप दबा दीजिए, आप पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट पहले से रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 12.1 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेके हम बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है इसके अंदर जो आपको अपने हाथों से करना है और वर्चुअली करना है अपने कंप्यूटर पर। ये पूरा का पूरा पैकेज आप खरीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में कैसे खरीदना ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों वी होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच।